हेलो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, अगर आप इस तरह का इंट्रो बनाना चाहते हैं अपने YouTube चैनल के लिए तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखना और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको चार स्क्रीन शॉट की जरूरत पड़ेगी, जिस तरह के पहले ये है जो बिना सब्सक्राइब किया हुआ, इसकी स्क्रीन शॉट की जरूरत पड़ेगी। दूसरा है सब्सक्राइब किया हुआ और तीसरा है जो इसका बेल आइकन है दबा हुआ, और जो दोस्तों चौथा है वो आपको ऊपर का ये पूरा स्क्रीनशॉट लेना है जिसमें ये यूट्यूब वाला आप देख सकते हैं ऊपर यूट्यूब लिखा हुआ है। तो इस तरह का आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा और आपको एक वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, किस तरह की वीडियो है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, आपको एक इस तरह का वीडियो बनाना होगा ग्रीन स्क्रीन के साथ, तभी आप इसमें इस तरह का इंट्रो बना पाएंगे। तो आपको कैमटासिया 9 सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, तो इसमें हम इस तरह का इंट्रो बनाएंगे। तो चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसको मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा था, तो अब हमें इसमें इम्पोर्ट मीडिया करना है हमारे जो भी प्रोजेक्ट है उनको। तो हम इम्पोर्ट मीडिया पे क्लिक कर देंगे और दोस्तों हमारे जो हमने जो रखे हैं सारे स्क्रीनशॉट वो सारे हम ले लेते हैं। और दोस्तों, ये रहे हमारे सारे स्क्रीनशॉट और वीडियो, तो इसको कर देते हैं हम सेलेक्ट। अभी इसमें इम्पोर्ट हो जाएंगे। ओके दोस्तों, ये सारे इम्पोर्ट हो गए। अब दोस्तों हमें लेना है एक स्क्रीनशॉट। पहले तो हम इसका बैकग्राउंड देख सकते हैं। दोस्तों, ये रहा इसका बैकग्राउंड, आपको इसको पूरा अनरेड कर देना है पूरा। और इसके बाद जो भी आपका जो पहले बिना सब्सक्राइब वाला है स्क्रीनशॉट उसको ले लेना है, तो उसको रख देंगे ट्रैक वन पे। उसके बाद हम इसको लेंथ बढ़ा देंगे, जितनी इसकी लेंथ होगी इतने हम लेंथ बढ़ा देंगे। इसके बाद हम लेंगे इसको कर देंगे थोड़ी सी साइज में छोटा। ओके, फिर हम लेंगे हमारा जो हमने इंट्रो बनाया है वीडियो उसको लेना है आपको, फिर उसको आपको ट्रैक टू पे रखना है। ट्रैक टू पे रखने के बाद ओके दोस्तों, इस तरह का ये इंट्रो है छोटा सा, तो इसको हम ट्रैक टू पे रख देते हैं। और इसकी जो लेंथ हमने बढ़ाई थी उसको कर देते हैं छोटा, क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है, जितना हमारा वीडियो है उतनी ही लेंथ होनी चाहिए स्क्रीनशॉट की। तो ओके दोस्तों, इस तो मैंने इसको सिर्फ बड़ा किया था, तो इस तरह की लेंथ होनी चाहिए। ये हमारा वीडियो इधर पड़ा हुआ है, तो ये रहा हमारा वीडियो, तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर लेंगे और इसके साइज के मुताबिक हम इसको रख देंगे। तो पहले आपको क्या करना है, किस आप देखते रहिए क्या करना है हमको। फिर इसके बाद हम इसकी जो ऑपसिटी कम कर देते हैं, ले हमें ये दिखे। ओके, और दोस्तों जो इसकी ग्रीन स्क्रीन की लाइन है उसके मुताबिक हम इसकी जो वाइट लाइन है उसमें इसको रखेंगे और इसको थोड़ा सा ब्लैक कर देते हैं। तो ओके दोस्तों, ये हो गया है। अब इसको हम कर देते हैं क्रॉप, इधर से और इधर से और यहाँ से यहाँ तक क्रॉप कर देते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा वीडियो रेडी हो गया है। तो चलिए हम इसकी ऑपसिटी को बढ़ा देते हैं, ये हो गया। अब हम इसकी ग्रीन स्क्रीन को करना होगा क्लियर। तो इसकी ग्रीन स्क्रीन को क्लियर करने के लिए इधर आपको राइट साइड में ऑटो ऑडियो इफेक्ट, कैप्शन इफेक्ट, कस्टम इफेक्ट और एनिमेशन सारे आपको इधर मिल जाएंगे। तो विजुअल इफेक्ट पे हम क्लिक करेंगे और फिर आपको इधर रिमूव एड कलर जो तीसरे नंबर ये लिखा होगा, ये इसको आपको इसको उठा के जो भी आपका वीडियो है जो कि हमने इंट्रो बनाया है उस पर रख देना है। इसके बाद हमें इसकी इधर क्लिक करेंगे हम इसको, और इस पर क्लिक करके हमारा जो कलर है उसको ले लेते हैं और ये चूज हो गया। अब दोस्तों हमें इसको एडजस्ट करना होगा इसके रंग के मुताबिक। तो ओके दोस्तों, अभी इसको एडजस्ट कर लिया, तो प्ले करके देखते हैं कि किस तरह का वीडियो बना है। थोड़ा सा बीच में आ रहा है साइडो, तो इसको कर देंगे हम पूरी तरह से सही। ओके, तो दोस्तों इतना हमारा इंट्रो बन गया है। अब हमें करना है
और थोड़ा सा काम, तो हम जाएंगे मीडिया में वापस और यहाँ पे जाके हमने जो स्क्रीनशॉट लिया था जो लास्ट वाला था इसको हम ले लेंगे इधर और इसको रख देंगे ट्रैक 3 पे और इसकी लेंथ बढ़ा देंगे। अब हमें क्या करना है, इसको क्रॉप करना है दोस्तों। तो इसको क्रॉप करने के लिए आपको इधर क्रॉप का ऑप्शन मिल जाएगा ऊपर और इसको लेंथ ले जाएंगे ऊपर और हमें इतना सा चाहिए आप देख सकते हैं कि, और ऊपर जो हमारे टाइम बैंड दिखा रहा है वो सारे हम निकाल देंगे और इतना ही भी हम रखेंगे। ओके दोस्तों ये क्रॉप हो गया। अब इसको हम ले लेते हैं ऊपर की साइज। तो दोस्तों इस तरह हमने इसको ले लिया है। अब क्या करना है आपको, आप देखते रहिए। इसको थोड़ा सा ऊपर और कर लेते हैं। तो दोस्तों इधर आ गया हमारा ये सब। तो चलिए एक तरह सब कुछ लग गया है। अब हमको क्या करना है, अब हमें लेना है एक सब्सक्राइब किया हुआ स्क्रीनशॉट। तो सब्सक्राइब किया हुआ स्क्रीनशॉट आपको ट्रैक 4 पे रखना है दोस्तों। ये सॉरी गलती से आ गया बेल आइकन वाला, तो इसको ले लेते हैं वापस। और सब्सक्राइब किया हुआ हमें रखना है और कहाँ पे रखना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले हमें इसको भी क्रॉप करना पड़ेगा, तो इसको भी हम क्रॉप कर लेते हैं। तो ओके दोस्तों इसको भी हमें क्रॉप करना पड़ेगा। तो क्रॉप करने के लिए इधर आपको ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा और इसके बाद आप ओपेसिटीज को इसकी कर सकते हैं कम या फिर ज़्यादा, जिससे हम देख पाए इसके आर पार। तो इसके बाद हम कर देंगे इतना इसको क्रॉप और इसके बाद हम यहाँ से इसको कर देंगे इतना। तो ओके दोस्तों ये सब हो गया। अभी दोस्तों ये सही तरीके से लेंथ में लगता है नहीं है, अभी हम देख लेते हैं है या नहीं। चलिए अब हम इसको प्ले करके देखते हैं ये सही लेंथ में है या नहीं। इसके ऑप्शन को कर देंगे कम। तो ओके दोस्तों ये सब तो सही चल रहा है। अभी अभी हम करना क्या है, इसको तो हमने सब्सक्राइब कर लिया। अब क्या करना है हमें, इधर हमारा जो हैंड है वो आगे की साइन आना चाहिए। अभी आप देख सकते हैं कि अभी हमारा हैंड स्क्रीनशॉट के पीछे आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, इस हैंड को आगे तक लाना है। तो हमारा जो भी जो दूसरा है, हमारा जो स्क्रीनशॉट हमने जो वीडियो लिया है हमारा इंट्रो, उसको करना है कॉपी। आपको राइट क्लिक करके आपको ऊपर कॉपी का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप ट्रैक 5 पे इसको कॉपी कर देना है, पेस्ट कर देना है। ओके दोस्तों ये हो गया पेस्ट। अब हमें क्या करना है कि हमारा जो भी इंट्रो है जैसे कि हमने अभी बनाया है कहाँ से कहाँ तक का, उसको हम कर देना है कट। यहाँ तक हम इसको ले लेते हैं। फिर अब हमें क्या करना है, अब इसका हम थोड़ा सा इसके साइज को भी कम कर लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक इसको क्रॉप करना होगा। तो वहाँ से क्लिक करेंगे और इसकी ओपेसिटी को कर देंगे थोड़ा सा कम ताकि हम इसके आर पार देख पाए, और इसको कर देते हैं क्रॉप यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके इसके ओपेसिटी को कर देंगे ज़्यादा। अब हम देखते हैं कि क्या हुआ। सॉरी दोस्तों लैपटॉप थोड़ा सा हैंग हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये इंट्रो रह गया। अब हमें क्या करना है, इधर हमें बेल आइकन वाला इंट्रो लगाना है जो हमारा दूसरा हाथ आएगा उधर। इधर हमने बेल आइकन को क्लिक किया वो वाला इंट्रो लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों जल्दी से हम इसको भी लगा लेते हैं अभी। तो कहाँ गया हमारा इंट्रो, तो ये रहा बेल आइकन वाला, शायद यही है। ओके दोस्तों यही है। अब इसको कर देना है हमें क्रॉप। क्रॉप करने के लिए आपको ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप क्रॉप वहां से कर सकते हैं। तो हम यहां से इधर लेंगे और नीचे से इतना लेंगे, तो ये हमारा क्रॉप हो गया। आप देख सकते हैं कि ये हमारा थोड़ा सा इंट्रो स्टार्ट हो गया है बनना। अब इसको प्ले करते हैं। तो दोस्तों इस तरह का आप इंट्रो बना सकते हैं इस कैमटासिया सॉफ्टवेयर में। और दोस्तों आप इस पे बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं जैसे कि मैंने लगाया है अपने इंट्रो में, जैसे कि मैंने ब्लैक लगाया है। और दोस्तों इधर आप
फोन को भी लगा सकते हैं, फोन की पीएनजी इमेज को प्लस पर क्लिक करके इंपोर्ट। इंपोर्ट पे जाने के बाद पीएनजी इमेजेस, जैसे कि हमने इमेज ले ली तो अब हम इसको लगा सकते हैं इधर। आपको इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जिससे कि आप इसमें सही तरीके से काम कर पाएंगे कैमटासिया सॉफ्टवेयर में। और इसकी लेंथ को हम बढ़ा देंगे, ओके। दोस्तों ये थोड़ी सी लेंथ बढ़ रही थी, अब बढ़ेगी। अब हम इसको इतना रखेंगे क्योंकि इसकी जो अंडरपेस साइज है वो इतनी ही है। अब दोस्तों हम क्या करना है, हमें इस सारी एक ग्रुप में ले लेना है इन सारे को, जैसे कि हम शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करना है। हाँ दोस्तों स्विफ्ट दबा के आपको राइट क्लिक करना है। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये फोन वाली साइज को आपको नहीं लेना, सेलेक्ट करना है और कंट्रोल जी दबाना है, कंट्रोल जी, कंट्रोल और साथ में जी दबाना है, जो कंट्रोल का ऑप्शन आता है कीबोर्ड में उसके साथ जी। अब क्या करना है, अब हम हमारी जो फाइल है उसको उठा के फोन के ऊपर रख देंगे, जो हमारे जो भी इंट्रो बनाया। अब इसको हम कर देंगे फोन के साइज के मुताबिक इसको छोटा। अब हमें इसको उठा के इधर सेलेक्ट एडजस्ट कर लेना है आपको इसके साइज के मुताबिक। तो ये हमारा इंट्रो रेडी हो गया है, तो चलिए मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। दोस्तों थोड़ा सा मेरा लैपटॉप हैंग हो रहा था, इसलिए आप समझ ही गए होंगे क्या करना है। तो दोस्तों आपने सीख लिया कि किस तरह आप इस तरह का इंट्रो बना सकते हैं कैमटासिया में। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल जाएगी।